चिंतपूर्णी की धरा पर आप यहाँ आए हैं। माता चिंतपूर्णी के एक नारे के साथ हम उनका हार्दिक स्वागत व इस्तकबाल करेंगे। जयकारा माता चिंतपूर्णी जी का, जयकारा माता चिंतपूर्णी जी का। अब मैं सबसे पहले श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, लोकप्रिय डिप्टी चीफ मिनिस्टर और श्री रणजीत सिंह राणा जी जिला के अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा कि वो टोपी शॉल पहनाकर और गुर्ज देकर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को वो सम्मानित करेंगे। श्री राहुल गांधी, तालियों की गड़गड़ाहट से ये दिख जाना चाहिए कि आप कितना प्रेम हमारे हर दिल हजीज नेता श्री राहुल गांधी जी से करते हैं। अब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अब श्री सुक्खू जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे। श्री राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी हैं, उनको सम्मानित करेंगे। मैं श्री सतपाल रायजादे जी से निवेदन करूंगा कि वो भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक प्रतिमा श्री राहुल गांधी जी को देकर वो सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो आए और अपना संबोधन करें। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हेलो, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो कि आज ऊना के इस पावन धरती पे आए हैं, हम ऊनावासी आपका स्वागत करते हैं। उनके साथ श्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे जाने पहचाने नेता जो है साथ में हैं, श्री शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सतपाल रायजादा जी जो हमारे यहां से पार्लियामेंट के प्रत्याशी हैं, और मंच पे विराजमान तमाम नेतागण, विवेक बिक्कू जी हमारे कुटलहर से प्रत्याशी हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए भाई, क्या आप सतपाल रायजादा को दिल्ली भेजने के लिए तैयार हैं? सारे तैयार हैं, पीछे तक तैयार हैं, रायजादा को राहुल जी की झोली में डालने की तैयारी हो चुकी है।